हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज है फरवरी 7, आज मार्केट गैप अप ओपन हुई एंड गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दिखाया एंड यहाँ पे निफ्टी 50 ने असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न शो किया है। यहाँ पे मैं पुट साइड के लिए तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ये ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तब मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। और वहीं अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी ने एक पैरेलल चैनल का फॉर्म शो किया है। यहाँ पर अगर इस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट करता है तब मैं अपनी कॉल साइड की एंट्री बनाऊंगा। तभी ब्रेकआउट का करते हैं वेट। A few minutes later, बैंक निफ्टी में एक ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिखा एंड यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं अपनी लॉन्ग साइज की इन पोजीशन सेट करूंगा एंड यहाँ पे जो हमारा टारगेट रहेगा वो 100 पॉइंट तक का रहेगा, यानी कि 46,000 तक का। एंड यहाँ पे एसएल की बात करें तो हमारा 40 से 45 पॉइंट रहेगा एंड यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन सेट कर दी है। अभी देखते हैं हमारा मार्केट में टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है। अब बात कर रहे हैं ट्रेड लेने की लॉजिक की। बैंक निफ्टी ने 45,800 से 3 बार रिजेक्शन लिया है जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी कॉल की एंट्री बनाई है एंड यहाँ पे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो देखते हैं मार्केट में हमारा टारगेट हिट होता है या हमारा एसएल हिट होता है। इस ट्रेड में मैंने एक OTM स्ट्राइक प्राइस चूज किया जो कि 46,000 है। यहाँ पे मैंने 46,000 का कॉल बाय किया है 22 रुपए में एंड यहाँ पे अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर लॉस होगा तो इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, तो मैं इस पोजिशन से कट कर जाऊंगा। एट द एंड इस ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो गया एंड यहाँ पे जो मेरा लॉस हुआ है तो मेरा ऑलमोस्ट चार्ज मिला के तकरीबन 250 रुपए के समथिंग लॉस हुआ है एंड इसके बाद मैं अब कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। बाकी अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में।